लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट को देखें तो डेफिनेटली वेजिटेशन बहुत कम है यहाँ पर। जनवरी टू मार्च टेम्परेचर काफ़ी कम, जो कि -20 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहता है। लद्दाख का जो प्लांटेशन का सीज़न है ये मार्च एंडिंग से मई तक ये पॉसिबल है। हर साल दिसंबर में यहाँ पर जब रोड क्लोजर होता है उससे पहले काफ़ी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जिसमें टीम संकालतरु कश्मीर से जोजिला पास को क्रॉस करते हुए सेपलिंग्स लाती है, जो कि फिर सेफली बंकर में रखे जाते हैं। ऐसी जगह पे है जहाँ पर कुछ भी संभव है, क्योंकि चारों ओर से रास्ते बंद हो सकते हैं, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। जब एक्टिव प्लांटेशन सीजन आता है, जब स्नो मेल्ट होने शुरू होती है इस एंटायर वैली में, तब हम इन सैपलिंग्स को बंकर से बाहर निकालते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कई गांव में जहां हमारा एप्पल विलेज प्रोग्राम चल रहा है। जुलाई 2015 में एक फ्लैश फ्लड आया था। हम जिस वक्त तो बहुत परेशान में थे, यहाँ ज़मीन तो बिल्कुल खरीद करके ले गया। धीरे धीरे हम लोगों ने पिछले 7 सालों में ग्रीनरी को क्रिएट करने की कोशिश करी है। उसी चैनल के अक्रॉस हमने उनको रीस्टोर करने के लिए एप्पल ऑर्चर्ड्स ग्रो करे। बनाने ये इतना अच्छा हो जाएंगी हम सोचने के इतना नहीं था। एप्पल विलेज कंसेप्ट संकालतरु का एक मिशन है ले लद्दाख में ग्रीनरी और प्रॉस्पेरिटी लाने का, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी की तो कमी है ही, यहाँ पर लाइवलीहुड के भी बहुत कम ऑप्शन हैं। पिछले साल तो 100 केजी आया, इस साल तो 200 केजी वाटरमेलन। हमारे खेत और पौधा सबको ऑर्गेनिक खाद डालते हैं जी। पहले यहाँ से 4-5 साल जो हमें यूरिया जो ना यूज़ करते थे, इसके बाद हमने अपना खाद जो ना कंपोस्ट खाद डालने की शुरू कर दिया। इसका फल जो ना 15 दिन के वजह 5-6 महीना जो ना चल जाता है। ये जो ना टेस्टी भी है, ये जो ना टाइट भी हो जाता है। बस सीजन में मैं ट्रैकिंग करता हूँ और ट्रैकिंग मोटरिंग छोटा मोटा मोटरिंग गाइड भी कर रहा हूँ। जैसे सीजन खत्म हो जाता हूँ उसके बाद मैं ये एप्पल का देखभाल कर रहा हूँ। प्लांटेशन में सारे फैमिलीज को इन्होंने 4000 के करीब यहाँ प्लांटेशन प्रोवाइड किया था। उसमें से अभी आप देखते हो कि हमारे आसपास जो ग्रीनरी आप नजर देख रहे हो तो 90% जो है वो प्लांटेशन वो लग गया है, वो अभी जिंदा है। पहले ज़माने में कोता है किसी किसी मोहल्ले में एक सेब होता है वो बहुत खट्टा वाला, अभी जो बाहर में या कहाँ पर डाउन में श्रीनगर में कैसा सेब होता है वो हमारे मोला मोला पे उसी में पहुंच गया, गांव गांव में पहुंच गया। नेक्स्ट बाल बच्चा के ज़माने में ये सेब का कमी नहीं हो जाएंगी, और कबानी का कमी नहीं हो जाएगी, औरत का कमी नहीं होगी, बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। ये भी नौकरी, ये भी पैसा है, ये भी जमा हो सकता है। किसी के घर में 50, किसी के घर में 100, तो अभी तो घर में खाने के अलावा हम हिंदुस्तान के हर कोने में इसको पहुंचा सकेंगे, तो हर कोई ये ऑर्गेनिक के फ्रूट्स का मज़ा लेंगे और अच्छे सेहत बन जाएंगे। लद्दाख में जो संकालतरु का एक स्लोगन है क्लीन एंड ग्रीन लद्दाख का, वो एक मिशन है कि यहाँ पे कैसे ग्रीनरी के साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी जारी रखें। लेट्स कीप लद्दाख ग्रीन। लेट्स कीप लद्दाख ग्रीन। एक जो
इकोसिस्टम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बना है, उसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर यूथ को, यहाँ पर विलेजर्स को काफ़ी फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, यहाँ पर हम ऑर्गेनिकली हाई यील्डिंग फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और संकाप तरफ के साथ हम भी वॉलंटियर करके को मदद करने के लिए कोशिश है, जगह जगह पर पौधा लगाएंगे, सबको मिलजुल कर सब उनको बनना हमारा उन्हें देंगे। संकल्प तरु एक बाय द पीपल फॉर द पीपल ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। इसमें सभी की भागीदारी से कठिन जगह पर भी हरियाली के मिशन को अचीव किया जाता है। अगर आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए www.sankalptaru.org।